नमस्कार दोस्तों, रीना की रेसिपी में आपका एक और फिर से स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं दोस्तों और मैं छत पर टहलने गई थी, अब नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि ज्यादा देर मैं टहल नहीं पाई। बहुत आज गर्मी है, खासकर पटना में, तो जब थोड़ा सा एसी का मजा ले लूं, थोड़ा सा ठंडा हो जाऊं, उसके बाद दोस्तों मैं देखूंगी कि आज मेरी बहुरानियां क्या कर रही हैं। आइए दोस्तों, अब मैं चलकर देखती हूँ कि मेरी बहुरानियां और मेरी बेटी क्या कर रही है। चलकर मैं देखती हूँ सबके बेडरूम में। उससे पहले दोस्तों मैं अपना एसी लाइट सब बंद कर देती हूँ, क्योंकि बिजली बचाना भी जरूरी है। आ गई हूँ मैं दोस्तों अपनी बड़ी बहू के रूम में। अब मैं पूछती हूँ क्या कर रही है मेरी बहुरानी, क्या कर रही हो? आप ही का कपड़ा मां लगा रही हूँ। अच्छा, अरे चलो ना देखते हैं कि छोटी बहू क्या कर रही है। उसे ननवेज भी आज सिखाना है और कैमरा मैन तो मेरा तुम ही हो ना, तुम दोनों मेरी बहू ही नहीं मेरी फ्रेंड भी हो, इसलिए चलो चलो जल्दी से उसे लेकर आते हैं, फिर किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं, उसे ननवेज बनाना सिखाना है। आइए दोस्तों चलते हैं छोटी बहू के कमरा में। आगे मैं अपनी छोटी बहू के कमरा में देखती हूँ क्या कर रही है, क्या कर रही हो? अभी तुम्हारा काम नहीं खत्म हुआ है, बस 2 मिनट में हो जाएगा लॉग आउट करना। ठीक है, जल्दी लॉग आउट करो और चलो किचन में। कुछ स्पेशल है क्या माँ? हाँ बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बनाना बताऊंगी चिकन 2 प्याजा कैसे बनते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, इसलिए चलो किचन में। अरे वाह, आपके हाथ का दम बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो बोल रही, सब दिन मैं ही खिलाऊंगी, क्या तुम भी सीखोगी, इसलिए चलो सीखो। फ्रेंड्स आप भी चलिए मेरे साथ चिकन 2 प्याजा बनाना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ चिकन में मसाले कितने पड़ेंगे और प्याज कितने पड़ेंगे। मैंने चिकन ले लिया है, 2 केजी चिकन है जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। मैंने 2 केजी चिकन लिया था, उसमें 1 केजी प्याज लिया है इस तरह से कटा हुआ, लहसुन लिया है 4-5 पोट, धनिया लिया है खड़ा, अदरक लिया है 1 टुकड़ा, जीरा मरीच लिया है 2 चम्मच और खड़ा गरम मसाला लिया है, दही लिया है। अब मैं इसका पेस्ट बनाने जा रही हूँ। पहले डालूंगी लहसुन, फिर खड़ा धनिया, काली मिर्च और जीरा, अदरक का टुकड़ा, गरम मसाला। मेरे मसाले पीस चुके हैं दोस्तों, अब मैं चिकन में मसाले मिलाकर इसे मैरिनेट होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ूंगी। चलिए दोस्तों, मैंने प्याज को डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ मसाला, लहसुन, अदरक, धनिया और जीरा मरीच का पेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली 2 से 3 चम्मच, मिर्ची अपने अनुसार ले। उसके बाद डालूंगी कलर वाली 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, दही 100 ग्राम और इसे मैं मिक्स करूंगी। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लाइव चोरी दिखाऊंगी अपने कैमरे में। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालें 2 से 3 चम्मच सरसों तेल और इसे अच्छी तरह से मिला लें। 10 से 15 मिनट छोड़ दें मैरिनेट होने के लिए। चलिए दोस्तों, अब मैं चिकन बनाने जा रही हूँ फटाफट। 5 से 6 चम्मच डाले सरसों तेल और तेल गर्म होने पर 5-6 लहसुन डाला है खड़ा समूचा पोट। दोस्तों जब भी लहसुन तेल में डाले, गरम तेल में, तो अपना फेस को थोड़ा सा कवर कर ले, बचा ले, क्योंकि लहसुन क्या होता है कि जब भी तेल में पकता है तो खुदुक कर बाहर निकलते हैं, तो इससे आपके फेस भी जल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर बनाए। चलिए दोस्तों, लहसुन पक चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक कटा हुआ, लहसुन कटा हुआ, सूखी मिर्च 4-5, तेजपत्ता 2 टुकड़ा, उसके बाद डालूंगी जीरा, खड़ा जीरा और खड़ा गरम मसाला। ऐसे 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं दोस्तों तड़का लगाए हुए, अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। मैंने सारा चिकन डाल दिया है, मैं इसे ऊपर से नीचे मिला दूंगी, इसे मैं ढक दूंगी और बीच बीच में इसे चलाते रहूंगी, आंच को मध्यम ही रखूंगी। बीच
बीच में दोस्तों ढक्कन हटाकर चिकन को चलाते रहे। देखिए मेरा चिकन ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और इसे पानी भी छोड़ दिया है। ढक कर भुनेंगे दोस्तों तो चिकन स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा और जल्दी पकेगा। दोस्तों ये दोनों मेरी बहुएं बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्प करती है। ऐसी बहुएं आज के युग में नहीं मिलती है लेकिन मुझे मिले हैं। अब आप बताइए कौन सास कौन बहू। दोस्तों इसे बीच बीच में यूं ही चलाते रहे और इसमें अगर पानी आप नहीं मिलाएं तो बढ़िया बनेगा। मैंने लटपट रखी है अपनी चिकन। आपको अगर ग्रेवी वाली चाहिए तो इसमें आधा कप पानी डालकर 2 से 4 मिनट के लिए चूल्हे पर ही छोड़ दें। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, चिकन मसाला 1 चम्मच। सीख गई ना तुम चिकन दो प्याजा बनाना? थोड़ा थोड़ा सीख गया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ट्राई करना और उसमें पानी मत मिलाना क्योंकि पानी जब मिलाओगी तो ग्रेवी वाली हो जाएगी और चिकन दो प्याजा सूखा हुआ होता है इस तरह से लटपट, इसी तरह का बनाना ठीक है। देखो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें सिर्फ धनिया पत्ती डालना बाकी है। अब इसमें धनिया पत्ता डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए गैस बंद करके ढक देंगे। दो से तीन मिनट हो गए दोस्तों। अब मैं इसे गर्म गर्म सर्व करूंगी अपने बच्चों को, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं दोस्तों गरम गरम खाने के लिए चिकन। सबसे ज्यादा तो मेरा पोता एक्साइटेड है चिकन खाने के लिए क्योंकि मेरे पोता को चिकन बहुत पसंद है। दोस्तों देखिए मेरा चिकन कितना बढ़िया बना है, आप भी इसे ट्राई करें। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत है मेरा चिकन, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं क्या बोलूं। दोस्तों इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, आप भी इसे घर पर ट्राई जरूर करें। दोस्तों मैं तो आपको खाकर बताऊंगी ही लास्ट में कि कैसा बना मेरा चिकन दो प्याजा। अब मेरी दोनों बहुएं बताएगी आपको खाकर चिकन दो प्याजा कैसा बना है, इसलिए चलिए अब ये लोग बताती है। आ जाओ तुम दोनों खाकर बताओ ऑडियंस को कैसा है चिकन दो प्याजा, कैसा बना है? बहुत अच्छा। अगली बार से तुम दोनों ही मिलकर बनाना, मुझे मत कहना बनाने। ठीक है। चलिए दोस्तों बन चुका है मेरा चिकन दो प्याजा। दोस्तों मेरा चिकन दो प्याजा बनकर तैयार है, मेरी बहू ने खाकर बता दिया कि इसका टेस्ट कैसा है। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा चिकन दो प्याजा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हो तुम अंधेरा में? चिकन खा रहे हैं। क्यों उस समय खाना नहीं खाई थी क्या घर पे? अब बनाती इतना अच्छा कि पेट तो भर गया लेकिन मन ही नहीं भरा। हमको लगा मेरे किचन में कोई चोर घुसा है क्या, थोड़ी सी चिकन खाने के लिए।